वेलकम टू माय यामी लाइफ सो आज मैं आपके ले ले लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंस्टेंट और यामी सी चटपटी सी धनिया की चटनी की रेसिपी जिसे आप इजिली दो से तीन मिनट पे बना सकते हैं और किसी भी स्नैक के साथ जो है आप सर्व कर सकते हैं और यमी से स्नैक इस यमी की चटनी के साथ मजा ले सकते हैं तो कैसे मैंने इसको बनाया है ज़्यादा देर नहीं करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सो so, यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है एक बॉल जो है फ्रेश धनिया जो है मैंने उसको धो के रख लिया है और यहाँ पे साथ ही में मैंने ले लिए हैं कुछ लहसुन की कलियाँ कुछ हरी मिर्च और कुछ जो है एक इंच के करीब मैंने ले लिया है अदरक दो मीडियम साइज के जो है मैंने टमाटर ले लिए हैं नींबू का रस मैंने एक चम्मच ले लिया है नमक आपको लेना है स्वाद अनुसार और सरसों का तेल मैंने ले लिया है लगभग एक चम्मच के करीब सो so, ये सारी चीजें हैं जो हमें डालनी है और ग्राइंड कर देनी है सो so, यहाँ पे मैंने एक जार ले लिया है और उस पर मैं ये सारी चीजें जो है हमारा जो धनिया है धनिया को थोड़ा सा आपको चॉप कर लेना है रफली और लहसुन मिर्च और ये जो अदरक भी है वो भी मैंने रफली जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं ताकि ग्राइंडिंग जो है हमारी जल्दी हो जाए तो नींबू का रस भी मैंने इसी टाइम पे डाल दिया है सरसों का तेल भी जो है इसी टाइम पे डाल दिया है मैंने और नमक भी इसी टाइम पर मैंने जो है डाल दिया है ताकि जो है सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए बिकॉज़ पीसने के बाद जब आप डालते हैं तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है सो तो ऐसे कर लेंगे हम ग्राइंड और ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए इसका टेक्स्चर जो है कितना अच्छा सा आया है पानी आपको जो है बिल्कुल भी नहीं डालना है पानी जब हम डाल देते हैं तो बहुत थोड़ा वाटरी हो जाता है आपका जो पेस्ट होता है वो तो पानी को यहाँ पे जो है नहीं डालना है बिना पानी के ही आपका जो ये चटनी है ऐसी कंसिस्टेंसी में आएगी और बहुत ही यमी लगेगी सर्व करने में भी तो ये हमारी इंस्टेंट चटनी जो है बनकर बिल्कुल रेडी है सो तो इसे आप करिए सर्व जिसके साथ आपको सर्व करना है सो तो होप आपको ये सिंपल ईजी सी चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी सो so, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ टेलन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी